सरोजनी सरोजनी करती थी हमने स्ट्रीट मार्केट हाँ इन जनरल इतने कम पैसे में ये किया वो किया, तो हमने कहा चलो ठीक है आपके पास 500 है तो आप 500 में जितना हो पाए आप शॉपिंग करिए। जैसे मैंने कहा था कि एटलीस्ट 3 सेट ले लो, अगर हो पाए 3 सेट 3 जोड़ा वैसे जैसे कि ऊपर 3 जोड़ा 6 पीस अरे सेट इन दी सेंस कि टॉप और वो वर्षा वाले। तो मैंने फिर उसे 500 का चैलेंज दिया कि आप जितना हो पाए अपनी बार्गेनिंग स्किल मुंबई के स्ट्रीट मार्केट में वो भी कोलाबा में, कोलाबा में जो कि आप सरोजनी करती रहती का। तो इसको मैंने कहा कि आप एक आउटफिट 500 के अंदर दीजिए, अब वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो टॉप नीचे से जीन्स जो भी ट्राउजर मिल जाए उसके साथ नेकलेस हो गया या फुटवेयर हो गया, तो इसको 500 में जो 3 चीज़ मिल जाए मतलब एक आउटफिट कंप्लीट करना इन 500 इन जनरल। कुछ नहीं मिला अभी तक। कॉस्टली मेरे चैलेंज का कुछ तो होगा, इतनी जल्दी तो मैं हारती नहीं हूँ लेकिन अभी हम पहले एक्सप्लोर कर रहे हैं, फिर हमें कुछ समझ आए तो हम खरीद लेंगे, पसंद भी तो आना चाहिए इज द पॉइंट। मिल रहा पसंद का कुछ नहीं मिल रहा, अगर एक ड्रेस भी मिल जाती अच्छी तो मैं खरीद लेती बट नहीं मिल रही, डिसअपॉइंटमेंट। ले लूँ ना वीडियो छोटे छोटे से ना डेंटी से। फर्स्ट परचेज डन, मैंने कपड़े नहीं खरीदे सबसे पहले ज्वेलरी खरीद ली, बट वो चल रहेगी किसी भी चीज़ में इसलिए मैंने वो ले लिया। दिखाइए भैया एक बार, देखा क्या बस परचेज 150 है, सो ये दिल्ली में 100 का मिल जाता बट ठीक है यार नॉट बैड। देखो कैसा लग रहा है आपको, अभी ड्रेस बाकी है बिग टाइम, हाथ मार दो इस पर, हाथ मार दो कैमरे से, प्रेस भी मिल जाएगी तो हो जाएगा ना। आई हेट बॉम्बे। रुको रुको, व्हाट यू सेड, आई हेट बॉम्बे, व्हाई? 150 का एक नेकलेस लिया मैंने, स्टिल आई हैव 350 एंड अभी तक मैंने बस एक जो कर लिया है, तो वी आर फाइंडिंग अ ड्रेस, एक हमें मिला भी बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड तो मैंने वो नहीं खरीदा, सो लेट्स सी एंड लेट्स होप। स्टिल विथ 350 और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, जिस कोलाबा ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट, बैंड्रा वॉज बेटर, बैंड्रा में फिर भी चीज़ें मिल जा रही थी, बैंड्रा में आई कुड हैव गॉट समथिंग फॉर 500, आई कुड हैव गॉट 3 पीसेस बट डिसअपॉइंटमेंट। तुम पे जाएगा
लीजिए भैया। कितने बच्चे हैं तुम्हारे पास दिखाओ? 200। नहीं 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 नहीं, चीटिंग नहीं कर सकते हैं। कितनी अच्छी वो है, क्या मिल गया 200 में? हाँ बता बता बता, क्या मान गए भैया? 200। फाइनली 3-piece सेट डन। 200, थैंक यू भैया। 200, 150 और 150 बैग में। वाह, सो चैलेंज डन फाइनली। खुशी दिखाओ। आई एम नॉट हैप्पी। सो चैलेंज डन, नॉट सेटिस्फाइड, बट ठीक है, होता है। जो चीज़ें मैंने खरीदी वो आई डोंट नो, एक साथ अच्छा लगेगा कि नहीं, बट अलग अलग काफ़ी अच्छा लगेगा। हाँ, मुझे काफ़ी टाइम से वाइट पैंट्स चाहिए थे, तो मुझे एक कॉटन के मिल गए, बहुत बड़ी बात है। 200 में मिल गया, बहुत बड़ी बात है। और टॉप 150 में मिल गया, वही वाले टॉप सारे जगह पे मिल रहे हैं, 300, 350। इवन चोकर भी मुझे 150 में मिल गया, यहाँ पे इट्स वेरी बिग डील, वेरी वेरी बिग डील। और सो या, अब चैलेंज डन एंड अब ब्लॉग देखना बाकी का पूरा। सो बाय। तो शॉपिंग नहीं करने दे रही। एक हमें ड्रेस पसंद आई थी बट वो शॉप ही खो गई, तो अब हम ये मुझे ढूंढने भी नहीं दे रही मुझे। नहीं और नहीं करना. So that is it for the Kulaba challenge, guys. I got this for 150, this for 150, and the trousers, this for 200, luckily. So yes, you tell me, आपको ये video कैसा लगा, ये haul कैसा लगा, mini सा haul 500 में, whatever I can, and I think I passed the challenge. क्यों रितिशा? What do you say? इधर आओ. So yeah. Black, white, lucky me. And this choker is also very pretty, though I could have bargained a little more, but ठीक है। बहुत अच्छे लग रहे हैं, एकदम चैलेंज पास कर दिया उसने 500 में। तो आप कितना रेट करेंगे इस आउटफिट को? 9 out of 10? Yes. 5 out of वो पूछने वाली थी, but ठीक है। 9 out of 10. क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है। Yeah. और इसके बाद वो भी हाँ, कुलाबा में हिल रोड में हो जाता, हिल रोड में हो जाता है। बांद्रा तो वो डिफर करता है ना एरिया। हाँ, कुलाबा में बहुत महंगे कपड़े हैं, अ बिट, बहुत ज्यादा, वेरी मच। H&M Forever 21 इनसे ज्यादा महंगे कपड़े हैं वहाँ पे, बताओ। हाँ, जो प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट से क्रॉप टॉप्स H&M में 300-400 के मिल जाते हैं, वो वहाँ पे 500-600 ही बोल रहे थे। तो एक शॉप में हम लोग आफ्टरनून में गए थे, तो वहाँ ड्रेस 300 की बोली थी। हाँ, 350 की एक ब्लैक ड्रेस थी। जब मुझे कुछ नहीं मिला था तो मैंने सोचा था मैं वो खरीद लेती हूँ ताकि आउटफिट कम्प्लीट हो जाए, बिकॉज मुझे लग नहीं रहा था कि ऊपर और नीचे का दोनों मिल जाएगा 350 में आफ्टर बाइंग दिस, बट ये हमें मिल गया। और उसके बाद हम दोबारा वहाँ गए तो 350 की उसने पहले बताई थी, हमने ली नहीं। और जब हम दोबारा गए उसने हमें पहचाना नहीं, बट उसने बोला नहीं ये ड्रेस तो 600 की टाइम के अकॉर्डिंग उनका प्राइस चेंज फ्लक्चुएट ऐसा होता रहता है, क्योंकि वो सेम ड्रेस प्लेन, बिल्कुल प्लेन ब्लैक मैक्सी ड्रेस थी, कहीं आपको वीडियो में भी दिखी होगी, वो 350 से सीधे 600 और 650 डबल हो गई। सो यस, दैट इज इट अबाउट द वीडियो गाइज, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम। ये क्यों कर रहा है? बहुत अच्छा रूप है। दैट इज इट अबाउट द वीडियो गाइज, डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड subscribe and I'll see you next time. Till then, take care, bye.